तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बात करने वाला हूँ SBI क्रेडिट कार्ड का लिमिट आप कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, चाहे आपके पास सिंपली क्लिक क्रेडिट कार्ड हो, चाहे को ब्रांडेड IRCTC वाला हो, चाहे पेटीएम वाला हो, चाहे SBI का कोई भी क्रेडिट कार्ड हो, तो बिना कोई ऑफर के कैसे आप लिमिट इंक्रीज कर सकते हैं आज के इस वीडियो में बताने वाला हूं। और ये जो मैं आपको बता रहा हूं, इस तरीके से मैं खुद अपना और अपने फैमिली मेंबर का लिमिट को इंक्रीज किया हूं, जहां पे पहले मेरा लिमिट था 28,000 जो कि इंक्रीज करके 99,000 किया गया, और वहीं पे फैमिली मेंबर का था लिमिट 15,000 जो कि इंक्रीज करके 1,34,000 किया गया। तो चलिए जानते हैं इसी के बारे में डिटेल में कि क्या क्या प्रोसेस रहने वाला है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे वो दो तरीके के बारे में मैं नहीं बताने वाला हूँ जिसमें बैंक अपने तरफ से खुद नोटिफिकेशन भेजता है कि आपका लिमिट इंक्रीज किया जा रहा है। इसमें भी 6 महीने का समय लग सकता है और कई बार ऐसा होता है कि 6 महीने बाद भी आपको ऑफर नहीं देखने को मिलते हैं, तो इसीलिए इस पॉइंट को हम स्किप करने वाले हैं। और दूसरा पॉइंट कि आप अपना सैलरी स्लिप भेज करके या ITR भेज करके लिमिट इंक्रीज करने का मैनुअली रिक्वेस्ट डाल सकते हैं, इस प्रोसेस को भी मैं यहाँ पे नहीं बताने वाला हूँ। खैर दोस्तों, ये दोनों तरीका स्किप करने के बाद तीसरा तरीका जो मैं अपनाया हूँ कि अगर आपका SBI का कोई भी क्रेडिट कार्ड 3 महीने पुराना हो चुका है तो SBI का दूसरा क्रेडिट कार्ड के लिए आपको अप्लाई करना है। इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा तभी सारा कुछ समझ पाइएगा, छोटा सा ही वीडियो है। तो जैसे ही आप SBI का कार्ड अप्लाई करते हैं उसके बाद बहुत चांसेस हैं कि आपको इंस्टेंट वर्चुअल क्रेडिट कार्ड दे दिया जाए, अदरवाइज अगर आपको सिर्फ एप्लीकेशन नंबर मिल जाता है और नॉर्मल प्रोसेस के थ्रू आगे कंटिन्यू होता है तो वहां पे आपको वीडियो KYC करवाना कंपलसरी रहेगा। वीडियो KYC के बाद कॉल वेरिफिकेशन 2 बार होगा, पहला बार में पूरा फुल डिटेल आपका वेरीफाई किया जाएगा, आपका लैंडमार्क क्या है, ऑफिस एड्रेस क्या है, मदर नेम, फादर नेम, ओपोकेशन, पैन नंबर, सारा कुछ वेरीफाई किया जाएगा। उसके बाद आपका एप्लीकेशन फाइनल अप्रूवल के प्रोसेस में जाता है, वहां से भी एक कॉल आपको आएगा जहां पे आपका नाम और ओपोकेशन पूछ करके कॉल कट हो जाता है और उसके 2 दिन बाद आपका कार्ड अप्रूव कर दिया जाता है। यानी कि इस प्रोसेस में कोई भी फिजिकल वेरिफिकेशन नहीं होता है। और ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। रिसेंट में ही हमने SBI पेटीएम क्रेडिट कार्ड का जो लिमिट था 15,000 था कि 3 महीने कंप्लीट होते ही हमने सिंपली क्लिक अप्लाई किया तो इसका लिमिट 1,19,000 मिला और पहले से 15,000 इसका लिमिट था। और इसका जो 1,19,000 लिमिट मिला ये अलग से मिला है और ये 15,000 अलग से, टोटल मिलाकर के 1,35,000 हो जाता है। सेम इसी तरीके से मेरे पास सिंपली क्लिक क्रेडिट कार्ड था जिसका लिमिट था 28,000। तो हमने दूसरा क्रेडिट कार्ड करीब करीब 6 महीने बाद अप्लाई किया, हालांकि हम 3 महीने बाद ही अप्लाई करते लेकिन हमें ये ऑप्शन पता ही नहीं था कि इस तरीके से हम लिमिट को इंक्रीज करवा सकते हैं, इनडायरेक्टली हम दूसरा कार्ड लेकर के इंडिविजुअल लिमिट ले सकते हैं। तो मेरे सिंपली क्लिक के ऊपर 6 महीने तक ऑफर नहीं आया था तो हमने IRCTC अप्लाई किया जो कि इसका लिमिट हमें 71,000 मिला जबकि हमारा सिंपली क्लिक का लिमिट था 28,000। इसी के साथ साथ एक और बोनस टिप्स मैं आपको देना चाहूंगा, अगर मान लीजिए आपके पास पेटीएम वाला भी कार्ड है, सिंपली क्लिक भी कार्ड है, दोनों में से कोई एक कार्ड आपको पसंद नहीं है, मान के चलता हूं पेटीएम वाला कार्ड आप नहीं रखना चाहते हैं, तो इसका जो लिमिट है आप सिंपली क्लिक में ट्रांसफर करवा सकते हैं और उसके बाद जो कार्ड पसंद नहीं है आप उसे बंद भी करवा सकते हैं। हाँ, अगर कार्ड बंद नहीं भी करवाना है तो भी आप लिमिट को एक दूसरे में ट्रांसफर करवा करके यूज कर सकते हैं। मान के चलिए एक में है 50,000, एक में है 10,000, ठीक है, तो जिसमें 50,000 है उसमें 15,000 छोड़ करके बाकी के 35,000 आप इस 10,000 वाले कार्ड में भी डलवा सकते हैं। तो बाकी दोस्तों SBI कार्ड अप्लाई करने का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और पिन कोड में मिल जाएगा, आप भी जाइए अप्लाई करिए। और आपको ये ट्रिप्स कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मिलेंगे अगले किसी वीडियोस में, तब तक के लिए नमस्कार।